वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं कपड़े धो रही हूँ, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा धोने वाले कपड़े हो गए थे, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि दिन में एक मतलब दो दो लिबास बदले जाते हैं। एक दिन में एक लिबास बहुत मुश्किल से पहना जाता है, स्मेल आती है पसीने वगैरह की, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए बच्चे दिन में बहुत ज्यादा कपड़े बदलते हैं, उनके भी कपड़े धोने वाले हो चुके हैं। तो आज हमने मशीन लगाई है, धोते हैं कपड़े। ये टेबल है, इसके ऊपर मैं कपड़े रखूंगी। तो कपड़े जो है कल धोने थे, लेकिन कल मौसम काफी खराब था, फिर बारिश हुई, इसीलिए कल मशीन नहीं लगाई, आज मशीन लगाई है। तो आज भी बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं, तभी जो है बादल धूप के आगे आ जाते हैं, सूरज के आगे, तो आंखों को ठंडक मिलती है। तो कभी जो है काफी ज्यादा धूप चमक उठती है, जो पित्त निकली हुई है जिसम पे वो भी एकदम ना बारिश होती है उसमें भी, तो समझ नहीं आती हम क्या करें। इसमें ज्यादा कपड़े तो बच्चों के ही हैं। ये इब्राहिम देखें क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? मैं करता हूं आप अच्छे। तो अब तुम क्या कर रहे हो? मैं पतंग बना रहा हूं। ये देखें माशाल्लाह इब्राहिम ने कितनी प्यारी पतंग बनाई है। इब्राहिम दिखाओ इस तरफ। ये ना डेली नए नए तरीके की पतंग बनाता है, और आज इसने उसी तरह नए तरीके की पतंग बनाई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी प्यारी इसके पंख लगाए हैं और टेल भी लगाई है। ये नीचे इस तरह पकड़ो, चलो। तो अभी कह रहा मैंने उड़ानी है। बेचारा पतंगे बनाता रहता है लेकिन हवा चलती नहीं है, उस वजह से फिर ये फाड़ देता है पतंगे। तो उड़ा लो जितनी पतंगे उड़ानी है, कल को आखिरी दिन है, फिर स्कूल जाना है ना। इनकी कल को लास्ट छुट्टी है, मंडे वाले दिन से इन्हें स्कूल जाना है। फिर स्कूल जाके मज़ा आता है या ज़्यादा घर में आता है? घर में। अच्छा घर में आता है।
बहुत तेज़ हो चुकी है, एकदम चमक उठी है और अजान भी हो रही है। अब मैं जाके नमाज़ पढ़ूंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मरियम फारूक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।